पोलराइजेशन के न्यूमेरिकल में हमने ये किया था कि अगर आपके पास कोई भी लाइट आती है जो कि अनपोलराइज लाइट है, तो मान लो ये अनपोलराइज लाइट है और ये एक एनालाइजर में एंटर करती है, ये एनालाइजर है, तो रूल नंबर वन, अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो सबसे पहले इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर पोलराइजेशन, आई नॉट बाई टू। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये लास्ट टाइम किया था। फिर ये आई नॉट बाई टू इसमें एंटर करती है, फिर एक एनालाइजर है, एनालाइजर कुछ ऐसा है, तो जब लाइट यहां से बाहर निकलेगी तो जो भी इसकी इनिशियल इंटेंसिटी होगी इंटू कॉस स्क्वायर फाई, वेयर फाई इज एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर का एक्सेस। ये हमने किया, ठीक है यहां तक? ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? लॉ ऑफ मैलस क्या है? तो अब ये डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है। अगर आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, वो बोलता है अनपोलराइज लाइट है, तो सबसे पहले उसको पोलराइजेशन करके आई नॉट बाई टू बनाना है। पर कभी कभी ऐसा होता नहीं है, कभी कभी वो इसी की इंटेंसिटी आई नॉट दे देगा, तो फिर यहां पर आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर फाइव यूज कर देना है। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। न्यूमेरिकल के अंदर ये पहला न्यूमेरिकल है, टू पोलराइड्स आर क्रॉस टू ईच अदर। ये आपकी हैंड रिटन बुकलेट है, उसके अंदर भी आने वाला है, ये शीट डली हुई है उसमें। तो टू पोलराइड्स आर क्रॉस टू ईच अदर, क्रॉस समझते हो, ये क्रॉस है। तो दो पोलराइजर में, पोलराइजर और एनालाइजर में एंगल क्या है? 90, 90 डिग्री है। तो वो कह रहे हैं दो पोलराइजर्स एक दूसरे के साथ क्रॉस्ड हैं, तो इफ वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 60 डिग्री, ऐसे है, तो एक को 60 डिग्री घुमा दिया, अब इनके बीच में एंगल कितना है? 90, 60 घुमा देता हूं, 60 घूम गया, 60 घूम गया, तो बचा हुआ एंगल कितना है? 30, 60 इधर आ गया तो बचा हुआ एंगल 30। तो फिर लॉ ऑफ मैलस क्या कहता है कि इंटेंसिटी क्या होगी? अब इस केस में इंसिडेंट लाइट क्या है? अनपोलराइज्ड। तो पहले लाइट क्या आई थी? अनपोलराइज। सबसे पहला काम क्या होगा उसको क्या करना? पोलराइज बनाना। तो एक शॉर्टकट लगाओ, आई नॉट से सीधा क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई टू। अब दो पोलराइड में एंगल कितना है? 30, क्योंकि 60 डिग्री घुमा दिया, बचा कितना? 30। तो फाइनल बाहर लाइट क्या आएगी? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वेयर 30। आंसर एक ही लाइन में आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इंटेंसिटी की वैल्यूज आएंगी इसमें? कोई डाउट है इसमें? ठीक है यहां तक। जैसे क्वेश्चन नंबर टू, टू पोलराइड्स आर अलाइंड, दो पोलराइड जो है वो अलाइंड है, सो दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ देम इज मैक्सिमम। थ्रू वॉट एंगल वन ऑफ देम शुड बी रोटेटेड सो दैट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ देम इज रिड्यूस टू हाफ। वो कह रहे हैं जी एक पोलराइड और एनालाइजर है, वो अलाइंड है, पता नहीं कितने एंगल पे अलाइंड है, वो एंगल आपको बताना है, लेकिन इतना पता है कि अगर उसमें आई नॉट इंटेंसिटी घुस गई तो बाहर कितनी आ रही है? हाफ हो के, हाफ का मतलब आई नॉट बाई टू, तो एंगल क्या होगा? आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? प्लस माइनस 1/√2, तो थीटा 45 डिग्री या 135 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है थर्ड क्वेश्चन में, इफ द एंगल बिटवीन पास एक्सिस, एक्सिस या पास एक्सिस एक ही बात है, जो जो पोलराइजर या एनालाइजर पास करते हैं उसको पास एक्सिस बोलते हैं, तो एंगल बिटवीन पास एक्सिस ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर इज 45 डिग्री, तो एंगल 45 डिग्री है। राइट रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ओरिजिनल लाइट एंड द ट्रांसमिटेड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू एनालाइजर। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट है, तो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो पहले पोलराइजर में से पास करके रेशियो को आ जाती है आई नॉट बाई टू, फिर क्या होगा? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वेयर थीटा, और थीटा कितना गिवन है? 45। तो फाइनल लाइट आई है, इनिशियल आई नॉट थी, तो यहां से रेशियो कितनी है? 4, तो इनकी रेशियो क्या आएगी? 4:1:4, उल्टा कर दिया इसमें, आई नॉट बाई आई नहीं, आई बाई आई नॉट निकालना है, फ्रैक्शन निकालनी है, पर चलो उल्टा सीधा जो भी है समझ में आ रहा है करना क्या है, आई नॉट से आई नॉट बाई टू, फिर आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 45 कर देना है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनपोलराइज बीम ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पोलराइड्स। तो कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड है, इंटेंसिटी आई नॉट। पहला स्टेप क्या होगा? आई नॉट से क्या करना? आई नॉट बाई टू करना, आई नॉट बाई टू। फाइंड नेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाई कॉम्बिनेशन वेन पास एक्सेस, दोनों पोलराइड के बीच में एंगल क्या बना है? 60। तो अनपोलराइज लाइट आई नॉट है, सबसे पहले पोलराइज बनाओ आई नॉट बाई टू, फिर दोनों एक्सिस में एंगल कितना है? 60। तो फाइनल लाइट क्या आएगी? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 60। आंसर
सेम ही क्वेश्चन है, अनपोलराइज से पोलराइज बनाना, पोलराइज से एंगल पे निकाल देना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जब एनसीईआरटी के अंदर ये सिलेबस में होता था, सुना है कि हट गया एनसीईआरटी में से, ये सिर्फ मेंस और नीट के न्यूमेरिकल के अंदर ही आने वाला है, बोर्ड में ये अब नहीं आता। जब आता था ये एक बड़ा पेट क्वेश्चन था उनका, यही आता था, ये न्यूमेरिकल बड़ा फेमस था। तो मैंने इसको मेंस के अंदर और नीट के अंदर भी आता हुआ देखा है काफी बार, तो आप प्लीज एक बार देख लें। थ्री पोलरॉइड्स आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट थर्ड पोलरॉइड इज क्रॉस्ड विद फर्स्ट। तो तीन पोलरॉइड्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये एक्सिस हैं तीनों के, राइट, ये एक्सिस हैं। पहला और आखिरी आपस में 90 डिग्री पे हैं, पहला और आखिरी क्रॉस्ड है, 90 डिग्री पे हैं, बीच वाले का मुझे पता नहीं क्या है। तो इमेजिन करें, पहला और आखिरी 90 डिग्री पे हैं, बीच में पता नहीं क्या है। तो पहले और बीच वाले में अगर एंगल थीटा है, तो बीच वाले और आखिरी वाले में एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, टोटल एंगल बिकम्स 90। तो क्वेश्चन है कि अगर लाइट, अनपोलराइज लाइट एंटर करती है, 24 उसकी इंटेंसिटी है, वॉट्स पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी के यूनिट है, तो इंटेंसिटी कितनी है, 24 है, पहले पोलराइड पे हिट करती है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिड्यूसेस टू 3 ऑन एमर्जिंग फ्रॉम थर्ड पोलराइड। तो इंटेंसिटी एंटर कितनी करती है, 24, और बाहर कितनी निकलती है, 3। तो आपको बताना है कि एंगल कितना है इनके बीच में। तो मैं इसके डायग्राम को ऐसा बनाना, अगर मैं इसके डायग्राम को बनाऊं तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये देखो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आपका पहला पोलरॉइड है, ये आपका आखिरी पोलरॉइड है, चेक कर लो इनके बीच में एंगल के एक्सिस में 90, देख रहे हो 90 है। ये आपका कोई बीच का पोलरॉइड है, ये रहा ऐसे, ठीक है, ऐसे डायग्राम बनेगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसमें कितनी इंटेंसिटी एंटर करती है, 24 है, फिर यहां पे कितनी बाहर निकलती है, फाइनल 3, ये गिवन है। तो आपको इसके और इसके बीच में एंगल बताना है, और फिर इसके और इसके बीच में भी एंगल बताना है, ठीक है। तो पहले लॉ ऑफ मेलस यहीं लगा लें, पहला रूल, ये अनपोलराइज लाइट है 24, पहले पोलराइड में से एंटर करते ही कितनी हो जाएगी, 12, आधी हो गई। अब लॉ ऑफ मेलस क्या कहता है, इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो बाहर लाइट क्या निकलेगी, 12 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, लगा दिया फॉर्मूला। अब मुझे पता है कि इसमें और इसमें एक्सिस में एंगल क्या बनने वाला है, 90 माइनस थीटा, अभी डिस्कस किया था, इसमें इसमें थीटा, तो इसमें इसमें 90 माइनस थीटा, तभी तो पहले और आखिरी के बीच में क्या आएगा, 90। तो अब लाइट बाहर कितनी निकलेगी, बाहर निकलेगी 12 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ऐसी बनेगा ना, एक बार और कॉस स्क्वायर लगा दिया, ये तो इंटेंसिटी थी, आगे क्या लग गया, कॉस स्क्वायर, नया एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा, और फाइनल आंसर यहां से क्या आ रहा है, 3। थीटा निकालना है, मैथ की प्रॉब्लम हो गई, 3 और ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मैथ के अंदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट से 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ कोई एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल को क्या होना पड़ेगा, 90, तभी तो साइन 90 क्या होता है, 1, तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90, तो थीटा कितना आ गया, 45 आंसर। तो पहले और दूसरे के बीच में एंगल 45, तो दूसरे और तीसरे के बीच में एंगल भी 45 ही होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कैलकुलेशन, कोई डाउट इसका, सर एक बार फिर बता दो, 312 cos square theta वाला, वो तो अनपोलराइज लाइट है ना, तो 12 का 24 होना है सर, फिर आपने cos square 90 minus theta भी लिखा है अलग से, वो मैंने इसलिए बताया, मैंने कहा था कि तीन एक्सेस है ना, पहला और आखिरी 90 डिग्री पे है, बीच वाला कहीं पर भी है, तो पहले और दूसरे में एंगल 90, तो दूसरे और तीसरे में एंगल 90 माइनस थीटा, यस सर, तो वही किया, पहले दूसरे में एंगल थीटा,
दूसरे तीसरे में एंगल 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर ओके सर, यस 12 आया, तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसके आगे क्या आया, 12 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और फाइनल आंसर क्या है, 3 आंसर। ओके सर,